हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लोग ठुकरा रहे, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है किस तरह की राजनीति आप इस देश पर थोपना चाहते हैं। जनता का पैसा एक थोपे हुए चुनाव पर बर्बाद करवाया गया, वो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। लोगों ने देखा, रवैया में कोई फर्क नहीं है, अभी भी वही ऐंठ, वही घमंड, वही अहंकार। उनको एक करारा जवाब आज जनता ने दिया है। लोगों के हकों और लोगों के सवालों का जवाब देने जरूरी नहीं समझते प्रधानमंत्री जी, आवश्यक नहीं समझते। वो घमंड वो आपको इनकी राजनीति में दिखता है। उपचुनाव के नतीजे आपके सामने हैं प्रधानमंत्री जी, आज शायद किसी विवाह में शामिल हों, उनके चेहरे पे आज मुस्कान नहीं होगी, अच्छा नहीं लगता, लेकिन नहीं होगी, अब क्या कर सकते हैं। ये उपचुनाव जो 13 सीटों पर हुए, बहुत महत्वपूर्ण, हर उपचुनाव, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव थे। दूसरी बार डेढ़ महीने में, एक महीने में समझ लीजिए, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता मजबूती से कुछ संदेश देना चाहती है। लोकसभा चुनाव में संदेश बहुत स्पष्ट था, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। अब एक महीना हो गया, लोगों ने देखा, रवैया में कोई फर्क नहीं है, अभी भी वही ऐंठ, वही घमंड, वही अहंकार। फिर से एक संदेश दिया, उत्तराखंड में हमारी, हम दोनों सीटें जीत गए, बद्रीनाथ की भी और मंगलोर की भी। हिमाचल में एक थोपा हुआ चुनाव, निर्दलीय 3 विधायकों से इस्तीफा लिया गया, उनसे इस्तीफा करवाया गया, हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया, और जनता का पैसा एक थोपे हुए चुनाव पर बर्बाद करवाया गया। आप लोग उसको ऑपरेशन लोटस कहते हो, मैं उसको ऑपरेशन कीचड़ कहता हूं। ऑपरेशन वोटर्स सबसे बड़ा होता है, सबसे मजबूत जवाब देता है। हिमाचल में देहरा विधानसभा क्षेत्र में, नालागढ़ में हमें जीत हासिल हुई, हमीरपुर हम हारे हैं, लेकिन ये तीनों सीटें ऐसी हैं जिसमें असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में इंडिपेंडेंट जीते थे, कांग्रेस नहीं जीती थी। इस बार कांग्रेस ने 3 में से 2 जीत ली हैं, और अगर आप कुल मिलाकर 13 की 13 सीटों का आकलन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 मिली। अमरवाड़ा पे मैं आता हूं, जो मध्य प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र है, जहां इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि काउंटिंग करते हुए अधिकारी लंच की ब्रेक लेते हैं, काउंटिंग रोक के पूरा अमला, पूरा प्रशासन जुट जाता है कांग्रेस को हराने के लिए। जो व्यक्ति पिछला विधानसभा 25,000 से जीता, भाजपा में जाकर अब बड़ी मुश्किल से जीत पाया है, जनता देख रही है। इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के वोटर्स का हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं उन्हें, कि उन्होंने सबक सिखाया उन लोगों को जो षड्यंत्र कर रहे थे संविधान को कमजोर करने का, संविधान को बदलने का, और चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का जो षड्यंत्र रच रहे थे, उनको एक करारा जवाब आज जनता ने दिया है। सबसे पहले उनका धन्यवाद। हमारे उत्तराखंड के पीसीसी प्रेसिडेंट करण महाराज जी, यशपाल आर्य जी सीएलपी लीडर, कुमारी शैलजा जी जो प्रभारी महासचिव हैं उत्तराखंड की, और तमाम एआईसीसी के पदाधिकारी, तमाम स्थानीय नेता, तमाम हमारे बेशकीमती वर्कर्स, उन सब की मेहनत से हमें ये दोनों सीटें मिली। हिमाचल में पीसीसी प्रेसिडेंट प्रतिभा जी, हमारे सीएलपी लीडर सुखविंदर सिंह सुखू जी, हमारे प्रभारी महासचिव श्री राजीव शुक्ला जी, और तमाम एआईसीसी के पदाधिकारी, वहां के स्थानीय नेता, हमारे वर्कर्स, उन सब ने मेहनत की, जी जोर से मेहनत की, और ये नतीजे आपके सामने हैं। एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि कैसे
भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लोग ठुकरा रहे हैं, लोग उसको अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उस राजनीति में जवाबदेही का स्थान नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान नहीं है, और लोगों के हकों और लोगों के सवालों का जवाब देने की ये अपनी ये जरूरी नहीं समझते प्रधानमंत्री जी, आवश्यक नहीं समझते। वो घमंड वो आपको इनकी राजनीति में दिखता है। मंगलोर का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, खास तौर पे चुनाव के दिन वहां किस तरह का प्रयोग करने की कोशिश की वो आपके सामने है। कैसे मुस्लिम मतदाताओं को रोकने की पूरी कुचेष्टा की गई, उनका हक है वोट देना, वो उनको रोका गया। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कई टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कर रहे थे, अरे मंगलौर तो मुस्लिम बाहुल इलाका है, कांग्रेस को जीतना ही था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बद्रीनाथ 97.68% हिंदू है ना, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है किस तरह की राजनीति आप इस देश पर थोपना चाहते हैं। वो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। अयोध्या में जो हुआ आपने देखा, नासिक, रामेश्वरम, रामटेक, बद्रीनाथ, ऐसे तमाम, ऐसे कई कई और मैं उदाहरण दे सकता हूं जहां इन्होंने एक तरह से ऐसी राजनीति करने की कोशिश की जिसमें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई कोई बात का स्थान नहीं था, उन मुद्दों को वो सामने नहीं आने देना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ लोगों को लड़ाकर विवाद पैदा करके राजनीति करना चाहते थे। उसका आज एक बहुत करारा जवाब लोगों ने दिया है। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लगातार हम सबको कहते आए हैं कि आराम नहीं करना है, अभी तो शुरुआत है। आने वाले जितने भी 4 असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, राज्यों के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, हम पूरे वर्कर्स, हमारे तमाम ऑफिस बेयरर्स पूरी मजबूती से काम पर लग गए हैं। एक दिन का भी हम लोग आराम नहीं करेंगे। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, हम उसी विनम्रता से अपने काम पे लग गए हैं। और आपको आश्वस्त करते हैं कि जिस विचारधारा को लेकर हमने पिछले कई सालों से संघर्ष किया है, उस विचारधारा को कमजोर नहीं होने देंगे और किसी को कमजोर करने भी नहीं देंगे। आपके सवाल।